हेलो फ्रेंड्स, हरियाणा पीएससी 805 सीट्स के ऑब्जेक्टिव एग्जाम की डेट आ चुकी है। 22 सितंबर को जिसका एग्जाम होना है। बेसिकली इसको 3 पार्ट में कंडक्ट किया जा रहा है। हरियाणा पीएससी का जो एग्जाम है उसमें फर्स्ट एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा, जिसमें आपको 100 MCQ दिए जाएंगे। इसके ऊपर मैं डिटेल में चर्चा करने वाली हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तो 805 सीट्स हैं आपके लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको इन 60 से 65 दिन का पूरा प्लान अच्छे से बनाना है ताकि आप उस ड्यूरेशन में उसकी तैयारी कर सके। तो 3 फेजेस में एग्जाम होने वाला है। इसमें ऑब्जेक्टिव फर्स्ट रहेगा, सेकंड आपका सब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा और थर्ड आपका इंटरव्यू रहेगा, जो कि जनरल पीएससी में कंडक्ट किया जाता है। आपको जो फर्स्ट फेज है उसको पहले क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजी प्लान की है। अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आप सारा सिलेबस विद इन ड्यूरेशन कंप्लीट कर पाएंगे और उसको अच्छे से एग्जाम में कर भी पाएंगे। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, क्या हमारा प्लान रहेगा। देखिए, हमारे पास टोटल कितने दिन हैं। जैसे 22 सितंबर को आपका एग्जाम होना है। टेस्ट सीरीज हमारी 21 से शुरू होने वाली है। ठीक है, 22 को एग्जाम होगा, मतलब आपके पास टोटल 60 61 ना 61 डेज है। उसमें आपका 2 बार पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, उसने एक बार पढ़ा है और उसको रिवीजन नहीं किया तो वो एग्जाम में कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तो आपका इस टेस्ट सीरीज के साथ में 2 बार अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। इस टेस्ट सीरीज को हमने 4 फेज में कंडक्ट किया है। फर्स्ट फेज क्या रहेगी, 21 जुलाई से आपका टेस्ट शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में क्या करेंगे, हम पूरा टाइम टेबल डिस्कस करूंगी आपके साथ में, ताकि आपको ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि मैडम ने टाइम टेबल बना दिया है, ये हमसे फॉलो कैसे होगा। होगा ही नहीं, एक दिन में हम इतना कर ही नहीं सकते। अगर आप एक दिन में इतना नहीं कर पाएंगे तो आप एग्जाम तक सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अगर आप इस टाइम टेबल के थ्रू फॉलो करते हैं इन सारी चीजों को, तो आपको विद इन ड्यूरेशन सारा सिलेबस आप आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो फेज फर्स्ट में क्या होगा, आपका पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट और एक संहिता, है ना। संहिता में भी कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स दिए हैं, इनका आपको एक दिन में तैयारी करना है। ये फर्स्ट फेज में हम करेंगे, पूरा डिस्कस करूंगी। ठीक है, सेकंड फेज में हम क्या करेंगे, कंबाइंड टेस्ट पेपर रहेंगे। सेकंड फेज में हम दो दो सब्जेक्ट को एक दिन में कंप्लीट करके उनका टेस्ट देंगे। सब्जेक्ट साथ में दो दो संहिता में एक एक स्थान ले लिया हमने। ठीक है, इस तरीके से। थर्ड फेज में क्या होगा, आपका जो पारिक के 80 पेजेस हैं उसको ओनली 2 डेज हमने दिया हुआ है, उनको कंप्लीट करना। उनके टेस्ट पेपर आपको रहेंगे, टोटल 4 पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फेज फोर्थ में आपके सारे जो कंप्लीट सिलेबस टेस्ट है, मॉक टेस्ट, उनको हम रखेंगे। और सारा जो एग्जाम पैटर्न है पूरा आपका 100 क्वेश्चन का ही रहेगा, ताकि आपकी उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और एग्जाम में आप अपना टाइम मैनेज अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, 21 जुलाई को डिया शारीर चरक सूत्र 1 से 10 का टेस्ट है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, पहले तो अपने आप को फोकस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप जॉब के साथ साथ इस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपको वहां से कुछ छुट्टी वगैरह मेडिकल लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको घर बैठ के पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना कम ड्यूरेशन है, सिलेबस इतना सारा है। तो कंप्लीट करने के लिए आपको डेली 24 घंटे में से 12 या 15 घंटे पढ़ाई के लिए देना ही पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। पढ़ना ही नहीं है, उसको आपको साथ में याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन, अभी एमसीक्यू जो बेस्ड टेस्ट है आपका ऑब्जेक्टिव, उसमें 4 गुना बुलाने वाले हैं और सब्जेक्टिव में 2 गुना ही बुलाएंगे। तो आपको 25% मिनिमम कट ऑफ है इसका। तो यहाँ से ऊपर से सिलेक्शन होगा। 25% का मतलब ये नहीं समझना मुझे 25% 26% ही लाना है, क्योंकि जिनके हाईएस्ट होंगे वही वही तो 4 गुने में जाएंगे ना। तो आपको इसके लिए बहुत मेहनत करना है, क्योंकि आजकल स्टूडेंट का लेवल काफी हाई हो चुका है। ठीक है, तो वो ये सारी चीजें आराम से कर पाएंगे। तो एक दिन में आप क्रिया शारीर कर लेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, मैं अपना खुद का बता दूं,
जब मैं प्रिपरेशन करती थी ना, तो एक दिन में मैं एक संहिता कंप्लीट कर लेती थी। तो किस समय की बात है, आप तो एक नई पीढ़ी के इंसान हो, है ना, तो आप डेफिनेटली इतना तो कर ही पाओगे। जब कोई व्यक्ति एक दिन में एक संहिता कर सकता है, तो ये सूत्र स्थान का 110 चैप्टर क्यों नहीं कर सकता। तो क्रिया शारीर चरक सूत्र 1 से 10 करेंगे, 21 जुलाई को टेस्ट होगा इसका, पूरे 100 MCQ रहेंगे, ठीक है। और इसमें टेस्ट कैसे होगा, क्रिया शारीर का एक टेस्ट रहेगा, चरक सूत्र स्थान का 1 से 10 का अलग टेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर मैं कंबाइन करके दूंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा, या फिर डिसाइड कर लेंगे कैसा करना है, ठीक है। हाँ, अलग अलग दो टेस्ट एक दिन में कंडक्ट होंगे, लेकिन आपका सिलेबस यही रहेगा, ठीक। रचना शारीर कर सकते हैं एक आधे दिन में, 6 घंटे में, आपने अगर आपने 12 घंटे का टाइम लिया है तो 6-7 घंटे में ये कर लें आप, और 1 से 15 बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, ठीक है। आयुर्वेद का इतिहास, हाँ, और आयुर्वेद का इतिहास पदार्थ विज्ञान आपकी जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें स्पेसिफिक नाम नहीं लिया है उसका, है ना, कि आयुर्वेद का इतिहास या पदार्थ विज्ञान आएगा, लेकिन उसमें ये दिया है प्रमाण आएंगे, तो प्रमाण तो पदार्थ विज्ञान में ही आप पढ़ते हैं। तो आप यहाँ से ऐसा कर सकते हैं कि जो स्पेसिफिक टॉपिक पदार्थ विज्ञान से जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो अकेला आप यहाँ से पढ़ लें, ठीक है। आयुर्वेद के इतिहास भी नहीं दिया, लेकिन वहां पर ये बोला है कि सभी आचार्यों की, चरक सुश्रुत बागभट की टीकाओं के बारे में पूछा जाएगा, उनके राइटर के बारे में, तो यहाँ पे शुरुआत में दिया हुआ है, ठीक है। और अदर छोटी छोटी संहिता का हिस्ट्री पोर्शन दिया हुआ है जो यहाँ से पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। तो आप एक दिन में इतना कर सकते हैं, 11 से 20 का कर लीजिएगा, पदार्थ विज्ञान हो जाएगा, रिसर्च स्टार्ट और चरक सूत्र 21 से 30 आराम से हो जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे ना, तो within 60 days आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्त्री प्रसूति है, चरक विमान 5 से 8 एक दिन में कर सकते हैं आप, शल्य तंत्र शुष्क शरीर 5 से 8, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेटेजी का फर्स्ट पॉइंट हुआ। देखो 21वें टेस्ट तक आपका दो दो चीजें चल रहा है, फिर आपका पर्टिकुलर एक एक सब एक एक संहिता का एक एक स्थान चलेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आपका यहाँ पे कोई चीज लैप्स हो गया था, बाय चांस आप कहीं चले गए थे या नहीं कर पाए किन्हीं कारण से, तो आप उनको यहाँ पर ले सकते हैं ना इस ड्यूरेशन में, ठीक है। सेकेंड फेज हमारा क्या होगा, ये फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज में हमारा पूरा कंबाइंड टेस्ट होगा। तो आपको आयुर्वेद का इतिहास पदार्थ विज्ञान जो आपने शुरुआती में पढ़ा था उनको आप कंबाइंड रूप से यहाँ पर टेस्ट दे देंगे, चरक सूत्र शुष्क सूत्र का दे देंगे, क्योंकि देखिए संहिता पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा जो जिनका हाईएस्ट कट ऑफ होगा, है ना, मतलब जो 6 नंबर लेके आएंगे, ठीक है। तो पढ़ना जरूरी है सेकेंड टेस्ट, हाँ। और चरक शारीर इंद्रिय स्थान यहाँ पे बीच बीच में सब्जेक्ट का भी दिया है, संहिता का भी दिया हुआ है, ठीक है। और थर्ड फेज में अभी जैसे मैंने बताया आपको, पारिक के 9 सितंबर को 2 टेस्ट होंगे आपके, 120 पेज का, जिसमें आपको 50 MCQ देंगे, इसमें 50 MCQ देंगे, हर एक टेस्ट में आपको 50 50 MCQ देंगे। तो मतलब एक दिन में आपके 100 MCQ हो जाएंगे इसके, और नेक्स्ट सेकेंड डेज आपके 100 MCQ हो जाएंगे। फिर फेज फोर में हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट मॉक टेस्ट लेने वाले हैं, पूरा आपका 100 क्वेश्चन के MCQ रहेंगे, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पर जाकर आपको पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप को डाउनलोड करना है, और वहां पर आप कोर्सेस ऑप्शन में जाके इस टेस्ट सीरीज को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस पे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप कॉन्टेक्ट पे जाके बात भी कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को। थैंक यू सो मच।